तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और टेक्नोवेक्स के दोस्तों एक और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी कल हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था P20 लाइट पे कि कौन कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो खरीदने से पहले आपको एक बार ज़रूर देखने चाहिए। अगर आपको इसके 5 कॉन्स देखने हैं तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, मैंने कार्ड दिया है, 5 कॉन्स ज़रूर देखिए। उस तो आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा P20 लाइट के दोस्तों जो ज़रूर आपको देखने चाहिए, ऐसे प्रोज P20 लाइट के जो ज़रूर आपको देखना चाहिए एक बार दोस्तों। तो बिना देरी करते हुए चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। पर उससे पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नीचे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले मिलेंगे आपको। तो दोस्तों, 5 ऐसे पॉइंट जो P20 लाइट को बनाते हैं इस रेंज में, जो 10,000 से 20,000 का रेंज है उसमें सबसे बेस्ट फोन, वो पॉइंट मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, जो कि स्टार्ट होता है ABCD और उसके बाद BC। नहीं, वो वाला BC नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ABCD देन BC, BC एक ही पॉइंट है बट वो वाला पॉइंट नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले से ए से, ए फॉर एंड्रॉयड। इसमें मिलता है आपको एंड्रॉयड 8 ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स। और स्किन की बात करें तो इसमें आपको EMUI का 8.0 मिलता है, जो कि Huawei का ही खुद का उनका स्किन है जो यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में। वो स्टॉक एंड्रॉयड देते नहीं है किसी भी मोबाइल, Huawei या Honor के फ़ोन्स में आपको स्टॉक एंड्रॉयड नहीं मिलेगा दोस्तों। उनके खुद के कस्टमाइज्ड जो स्किन होते हैं वो मिलते हैं, जो कि EMUI है Honor का। तो एंड्रॉयड का ओरियो जो लेटेस्ट है, और आगे भी दोस्तों इसमें चांसेस हैं कि एंड्रॉयड P का अपडेट आपको इसमें मिल जाए। तो लेटेस्ट वर्जन है ये, एक उसका बेनिफिट है। तो क्योंकि रेडमी नोट 5 प्रो की बात करो तो उसमें एंड्रॉयड 7 जो नूगट है अभी भी वही चल रहा है, बहुत सारे फ़ोन्स में दिया है उन लोगों ने बट अभी तक इसमें आया नहीं है। और भी बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जो अभी नूगट पे चल रहे हैं, इसमें आपको ये ओरियो 8 आउट ऑफ द बॉक्स आता है दोस्तों। तो दूसरा आते हैं दोस्तों हम लोग BB, यानी बेल्ट कैसा बना हुआ है मोबाइल, किस चीज़ से। तो मोबाइल का फ्रंट और बैक दोनों ग्लास बेल्ट है दोस्तों। कंपनी ने कहा नहीं है कि गोरिल्ला ग्लास दिया है या कौन सा ग्लास दिया, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ फिक्स है कि Honor और Huawei के जो फ़ोन्स होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ बिल्ड मटेरियल दोस्तों। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ग्लास का जो क्वालिटी होगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी तक मैंने चेक नहीं किया, जब चेक करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मैं श्योर हूँ कि उसकी क्वालिटी जो है वो बेस्ट होगी। क्योंकि Huawei का जो Honor का 7X है उसको अभी तक का सबसे बेस्ट फ़ोन माना गया है बजट रेंज में, जो 11,000 से 20,000 के बीच में जो मोबाइल्स आते हैं उसमें बिल्ड मटेरियल के हिसाब से, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट फ़ोन है, गिरता है तो क्रैक्स नहीं आते, जो कि मैंने नोट 5 प्रो में देखा है कि वो गिरते ही टूट जाता है, शैटर हो गया था उसका जो स्क्रीन था, आपने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा ये सारी चीज़ें। तो बिल्ड मटेरियल के हिसाब से एक प्रॉब्लम आता है, बैक साइड में भी ग्लास दिया हुआ है, ग्लास देने की वजह से प्रॉब्लम ये हो गया है वहाँ पे कि जो फिंगरप्रिंट्स बहुत सारे आ जाते हैं उस पे, तो ये प्रॉब्लम है। बट लुक प्रीमियम आता है, बहुत ही क्लासी लुक आता है, ग्लास आगे पीछे दोनों साइड है और बिल्ड क्वालिटी उसकी बहुत अच्छी है दोस्तों। बी के बाद दोस्तों आते हैं सी पे। सी ही इसका मेन फीचर है, सी माने कैमरा। अगर रियर कैमरा की बात करें दोस्तों तो वहां ड्यूअल कैमरा का सेटअप दिया हुआ है, जो कि 16+2 मेगापिक्सल का है। एक प्रॉब्लम है अपाचर का, जो कि F2.2 है रियर कैमरा का, लेकिन बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी हुई हैं उसमें। 2 मेगापिक्सल जो है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए दिया हुआ है, उसका कोई उतना यूज़ नहीं है, बट 16 मेगापिक्सल का कैमरा फोटोज़ बहुत अच्छे खींचता है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत अच्छे करता है। और सबसे कमाल की चीज़ तो इसका फ्रंट कैमरा है दोस्तों। फ्रंट कैमरा जो है 24 मेगापिक्सल का है, उसका अपाचर F2.0 है, जो कि लो लाइट सेल्फीज़ के लिए बहुत कमाल का है, कमाल के फोटोज़ आते हैं, फोटो की क्लैरिटी फ्रंट कैमरा की ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू रियर कैमरा। फ्लैश की बात करें तो बैक साइड पे आपको ड्यूअल टोन LED फ्लैश दिया हुआ है, फ्रंट साइड में नहीं दिया उन लोगों ने, बट बैक साइड में उन लोगों ने दिया हुआ है दोस्तों। तो ये कैमरा बीस्ट है, अगर आप देखोगे पहले Redmi Note 5 Pro को कहा गया था, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छे इसके कैमराज हैं। इसके फ्रंट कैमरा का जो अपाचर F2.2 है, जो कि Redmi Note 5 Pro में F2.2 का दिया हुआ है, जो कि उतना खास नहीं है दोस्तों। सी के बाद आते हैं दोस्तों डी पे। डी का मतलब होता है डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले की बात करें तो बहुत अच्छा डिस्प्ले दिया हुआ है, कॉपी किया है एप्पल को नॉच से, पर फुल व्यू डिस्प्ले देने की कोशिश की है उन लोगों ने, जो एक बहुत अच्छी बात है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो अगर बात करें तो 80.06% का है, जो कि नोट 5 प्रो या इन सब फ़ोन से ज़्यादा है, क्योंकि नोट 5 प्रो का 76-77 है, इसका 80% तक दिया हुआ है। उसके बाद अगर डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD का डिस्प्ले यूज़ हुआ है,
जो कि फुल HD प्लस डिस्प्ले है दोस्तों, 5.84 इंचेस का डिस्प्ले दिया हुआ है, 6 इंच का नहीं है, थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अगर आप पूरे स्क्रीन की बात करो देखोगे तो वो एक 5.5 इंच का जो डिवाइस होता है आपका, उतना बड़ा पूरा डिस्प्ले उन लोगों ने दिया हुआ है। तो 5.84 इंचेस का डिस्प्ले है जो कि फुल HD प्लस है, 1080x2280 पिक्सल डेंसिटी है उसकी पूरे डिस्प्ले की, उसमें पिक्सल काउंटिंग आप करोगे तो उतना आएगा। लुक जो है दोस्तों डिस्प्ले का वो बहुत ही पंची है, कलर्स एकदम शार्प आते हैं, अगर आप देखोगे तो आपको देखने से पता चलेगा कि बहुत अच्छा लोगों ने डिस्प्ले दिया हुआ है दोस्त। लास्ट हमारा पॉइंट आता है बी मतलब बैटरी, सी मतलब चार्जर। नहीं नहीं, आप जो सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं था, और हाँ बैटरी तो उतना कमाल का नहीं दिया हुआ, खाली 3000 mAh की बैटरी है, बट चार्जर भी उतना खास नहीं दिया है दोस्तों, एक नॉर्मल सा चार्जर दिया हुआ है। तो फिर कमाल की बात क्या है इसमें, कमाल की बात यह है कि ये फास्ट चार्जिंग को दोस्तों सपोर्ट करता है। तो 3000 mAh की बैटरी अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो और फुल चार्जिंग के बाद, तो एक दिन पूरा आराम से निकल जाएगा 3000 mAh में, ज़्यादा यूज़ करते हो थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा, लेकिन नॉर्मल अगर आप यूज़र हो तो 3000 mAh की बैटरी आराम से एक दिन निकल जाएगी। और उसको चार्ज करने के लिए फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया उन लोगों ने, तो आराम से एक या सवा एक घंटे में आप सुबह उठते हो ऑफिस जाने के लिए, बैटरी लगा लो, अगर 15-16% है तब से लेके आपके तैयार होने तक एक घंटे के अंदर वो आपको 100% चार्जिंग दे देगा दोस्तों, है ना कमाल की बात। तो एक से सवा एक घंटे के अंदर वो 100% चार्जिंग दे देगा, 3000 mAh की बैटरी है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो चार्ज फास्ट चार्जर से चार्ज होने में ज़्यादा टाइम लेगा नहीं दोस्तों, वो फटाफट चार्ज कर देगा, तो ऑफिस रेडी आप तुरंत हो जाओगे, जितने देर में आप खुद तैयार हो रहे हो उतने देर में आपका मोबाइल भी तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों थे 5 पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखे हैं, और अगर आपको लगता है इसमें और कोई पॉइंट है जो मुझे ऐड करने चाहिए थे वो आप ज़रूर बताइए दोस्तों। 5 कॉन ज़रूर देखिए, उसके बाद 5 प्रोस भी देख लेना इसके, इसमें 5 नहीं 6 कॉन्स दिए हैं मैंने, 6-7 कॉन्स दिए हैं जो भी है देख लीजिए उसमें जाके, उसके बाद प्रोस भी देख लीजिएगा ये 5 प्रोस, फिर उसके बाद जाइए मोबाइल अगर आपको खरीदना है तो खरीदिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया तो फिर से बोलूँगा लाइक कमेंट और शेयर करो दोस्तों, और अपने दो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे आपको दिख रहा होगा एक सर्कल जिसमें मेरा DP दिख रहा होगा आपको, उसके ऊपर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक बड़ा वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है अगला वीडियो थोड़ा सा टाइम ले, कल या परसों एक आध दिन का ज़्यादा, तो कुछ नया कोशिश करूँगा, अगर पसंद आया तो उसे भी लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।